इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है। मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग वाहन और उनके संकेतों के बारे में। अलग अलग वार यानी दिन के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। वहीं यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार शुरू होती है तो मां का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर मां दुर्गा डोली में बैठकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जनधन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो मां नाव पर सवार होकर आती है। नाव पर सवार माता का आगमन शुभ होता है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा है तो मां दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती है। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो मां की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक वर्षा को ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो मां दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।